हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टू आवर चैनल। तो भाई लोगों, अभी क्या है कि ये जो आप लोबी देख रहे हैं गाइस, ये लोबी बिल्कुल फुल होने वाली है गाइस। मतलब बिल्कुल नहीं होगी, 10 लोग हो जाएंगे इसमें। और ऐसी लोबी में गाइस होता क्या है कि आप लोगों के बहुत कम पोकेमोन यूज़ होते हैं। और ये लॉबी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो लॉबी मैं आपको दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा? बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए गाइस, क्योंकि जब आपकी सारी नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगी गाइस, तब क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आएगी स्ट्रीम की। और जो स्ट्रीम स्टार्ट होगी गाइस, स्ट्रीम में क्या होगा, स्ट्रीम में प्रोवाइड होगी रेट्स। और गाइस, आज जो रेट्स प्रोवाइड होने वाली हैं, शायद आपको मौका मिले या ना मिले हमको नहीं पता गाइस, बट रेडी रहना गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस, ग्रेटिना एक बल्की पोकेमोन है, मोल्ट्रेस या फिर फ्लाइंग, जितनी भी लेजेंडरी फ्लाइंग बर्ड्स थी उनकी तरह नहीं है गाइस, क्योंकि ये जो पोकेमोन है इसको आप डुओ करना चाहो तो डुओ कर सकते हो, बट इसके लिए डुओ के लिए मेहनत लगेगी गाइस। क्योंकि जो इसकी वीकनेस है गाइस, सपोज इसकी वीकनेस क्या है गाइस, ड्रैगन। ड्रैगन बहुत डैमेज करता है इसको गाइस। ड्रैगन लेके जाओ गाइस, और ये भी क्या है, ड्रैगन की वीकनेस है गाइस। मतलब ये पोकेमोन खुद भी ड्रैगन को वीक कर रहा है। तो अगर आप सारे ड्रैगन लेके चले गए, आउटर्स लेके चले गए गाइस, तो ये भी तो एक मतलब डार्क अटैक कर रहा है गाइस, जो कि आपके पोकेमोन्स को हार्म कर रहे हैं। ऊपर से गाइस ये गिराडिना है गाइस। गिराडिना की एक खास बात क्या है कि गिराडिना चाहे किसी भी लीग में हो, वो वहाँ पर सबसे बल्की पोकेमोन होता है गाइस। इसकी मतलब स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, इतना स्ट्रांग डिफेंस है गाइस इसका, कि हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते। डुओ तो मतलब थोड़ा हार्ड रहेगा, बट अगर आप 3 लोग या 4 लोग जाते हो गाइस, तो इसको इजीली हरा सकते हो। इजीली हरा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। डुओ भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अभी गाइस क्या है, इसको हराना बहुत मुश्किल है, बट इसको कैच करना थोड़ा सा हार्ड है गाइस। तो उसको कैच करने की ट्रिक बताऊंगा गाइस। मैं जब भी कोई लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ता हूँ, उसकी ट्रिक जरूर बताता हूँ गाइस, क्योंकि हर लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने का अलग तरीका है गाइस। तो इसको पकड़ने का जो गाइस तरीका है, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा लंबा है गाइस। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पोकेबॉल्स मिलने वाली है गाइस, क्योंकि पहली बात अपने पोकेमोन की सीपीस काफ़ी अच्छी थी, तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा किया अपन लोगों ने। दूसरी बात गाइस, ये जो जिम है वो अपना कंट्रोल वाला जिम है गाइस। उसके बाद इसमें जो मुझे इनवाइट किया गया है, वो मुझे इनवाइट किया गया है दीप भाई ने। तो दीप भाई ने यहाँ इनवाइट किया है, तो उसकी दीप भाई हमारे अल्ट्रा फ्रेंड है गाइस। सुबह सुबह दीप भाई राना तो मतलब पैग लगा के सो रहा था गाइस तो दीप भाई ने मुझे इनवाइट किया और हम लोगों ने ये बैटल की गाइस। तो ये वेदर बूस्टेड नहीं है, शायद से रेनी वेदर था वहाँ पर, क्योंकि जिम में आपने देखा होगा बारिश हो रही थी। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको थ्रो लगा रहा हूँ गाइस, ठीक है। स्टार्टिंग के थ्रो में ऐसा लगा कि ये पोकेमोन पकड़ में आ जाएगा, बट इसका कैचिंग रेट भी बहुत कम है गाइस, तो बच के रहना है गाइस। तो कोशिश करनी है गाइस, मैक्सिमम से मैक्सिमम पोकी बॉल्स आपके पास हो। टिप नंबर 1, यू नीड मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीमियर बॉल। कैसे मिलेंगी गाइस, हमेशा ध्यान रखो, जिसने इनवाइट किया है वो आपका एक अच्छा लेवल का फ्रेंड होगा गाइस। मिनिमम बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कह सकते, वो तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो मतलब अल्ट्रा, अल्ट्रा से नीचे मतलब बेस्ट तो नहीं यार, क्या बोलते हैं यार, ग्रेट, ग्रेट और अल्ट्रा फ्रेंड होने चाहिए गाइस, गुड फ्रेंड से काम नहीं चलेगा। उसके बाद जिम कंट्रोल देखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कलर के हो, रेड, ब्लू, येलो, जो भी है आपको, वो वाला कंट्रोल वाले जिम में जाने की कोशिश करो। और कोशिश करो गाइस, आप जिस पोकेमोन से बैटल करने जा रहे हो, उस पोकेमोन की वीकनेस को एक बार ध्यान रख के जाओ गाइस, ताकि आप वो वाले अटैक लेके जाओ। अब ये नहीं कि मतलब गिराटिना है तो आप ड्रैगन टाइप पोकेमोन ही लेके जाओ, आप फेरी टाइप ले जाओ, कोई भी ले जाओ जिसके पास अटैक हो, ड्रैगन अटैक हो, फेरी अटैक हो, चार्म अटैक हो, ताकि वो डैमेज करे। डैमेज होगा तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे गाइस, ठीक है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, बाकी सब चल जाएगा। बाकी लॉबी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, फुल लॉबी होगी, तो आपको टाइम का बोनस मिल जाएगा गाइस। टाइम का बोनस से भी काफ़ी पोकी बॉल्स मिल रही हैं, ठीक है। बाकी बॉस को हराने का, बाकी बहुत सारे डैमेज आप पढ़ लेना, वो स्क्रीनशॉट रखे गाइस। तो टिप नंबर 1 आपकी ये है गाइस, कि जो आपको करना है जिम में एंट्री करने से पहले। उसके बाद टिप नंबर 2 गाइस ये रहेगी आपको, जो कि बहुत सिंपल सी है, कि भाई लोगों, बेस्ट दो आप। बेस्ट, बेस्ट मतलब होता है कि आप जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ पर दो गाइस।
अगर आपको लगता है कि नानो बेरी से पॉकेमॉन पकड़ में आएगा तो नानो बेरी यूज़ करो, अगर आपको लगता है गोल्डन रास्पबेरी से आएगा तो गोल्डन रास्पबेरी यूज़ करो, जिस बेरी से आपको लगता है वो ट्राई कर लो। बट मेरी और गेम की जो मतलब कहने का मतलब है, तो गोल्डन रास्पबेरी सबसे ऊपर बेरी है गाइस, सबसे ज़्यादा मतलब कैचिंग रेट यही कम करता है, मतलब इसी को खिलाने से पोकेमोन लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। दूसरा गाइस आपका थ्रो बेटर करता है गाइस, आपके थ्रो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। जैसे लोग बोलते हैं ना एक्सेलेंट ग्रेट नाइस, आपको रियलिटी बताऊँ ये तीनों रियल में मैटर करते हैं, बट एक परसेंटेज होता है गाइस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि आप 17 के 17 एक्सेलेंट ही मारो गाइस, पहली बात, अगर आप एक्सेलेंट मार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है गाइस, एक्सेलेंट मार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो आपके परसेंटेज को बढ़ा रहा है। गोल्डन रास्पबेरी ऊपर से एक्सेलेंट, तो ये मिलके एक बहुत अच्छा परसेंटेज दे रहे हैं गाइस, ठीक है। तो वो करना क्या है, मिनिमम ग्रेट थ्रो लगाना है गाइस, ग्रेट थ्रो मिनिमम, ऐसे ग्रेट थ्रो बोल रहा हूँ बट आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका रेट कम है गाइस, कैचिंग रेट कम है। बाकी आप लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, आजकल सब लग रहा है। तो पॉकी बॉल के अंदर पोकेमोन आना चाहिए, आपकी पॉकी बॉल मिस नहीं होनी चाहिए यार, नहीं पता भाई कौन सी पॉकी बॉल में घुस जाए, पहली में भी घुस सकता है, लास्ट में भी घुस सकता है। इसको तो मतलब एक आपका ये भी रहेगा गाइस, आपका फ़ोन थोड़ा ठीक रहना चाहिए गाइस, पोकेमोन कैच करने में आपके स्किल्स के साथ साथ आपका फ़ोन को भी सपोर्ट करना चाहिए गाइस। अभी क्या है कि यार अगर आपका फ़ोन काफ़ी हीट हो जाता है तो उसके लिए आप कुछ कूलिंग की व्यवस्था करो यार, ठीक है, फ़ोन को ठंडा रखो, क्योंकि फ़ोन ठंडा रहेगा ना तो आपका थ्रो अच्छा लगेगा। अभी ये देखिए पकड़ में आ गया ना, थर्ड लास्ट बॉल में पकड़ में आया गाइस, देख रहे हो बहुत मुश्किल में आया गाइस। और इसकी आई वीज हम लोग देखें तो आई वीज इसकी 2 स्टार है, वेरी बैड, डिफेंस बहुत अच्छा है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, बाय बाय, सब्सक्राइब लाइक शेयर जो करना करो गाइस, बाय बाय गाइस।